यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फिर बाहर आया जिन्ना का जिन। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव के सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना को बताया शर्मनाक। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बीच अखिलेश पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा भारत की जनता समाजवादी पार्टी की इस विभाजनकारी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी, यूपी की जनता को कतई मंजूर नहीं। और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है तो उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की सोच को बताया तालिबानी, जिन्ना की महिमा मंडन पर माफी की मांग। सीएम योगी बोले सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत को अखंड भारत में बदलने का श्रेय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पीएम मोदी का भी सपना। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पर ही चलवाएंगे गोली। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। सीएम योगी ने कहा अब वक्त बदल गया, राम भक्तों कृष्ण भक्तों पर नहीं आतंकवादियों पर चलती है गोली। हमारे देश में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच बोले मुख्यमंत्री योगी भगवान श्री राम की कृपा से समाप्त हुआ कोरोना, उत्साह से मनाइए दिवाली। कि जब दीपावली का पावन पर्व आया है तब कोरोना भी समाप्त हो गया है। कल हरदोई में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना को बताया था फ्रीडम फाइटर। हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ की थी, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पटेल से की थी तुलना। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमला हुई बीजेपी, मोहसिन रजा का ट्वीट देश समझ ले जिन्नावादियों की सच्चाई। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा व्यंग्य, कहा अखिलेश के ज्ञान को सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे, मुलायम सिंह यादव भी ऐसा ही करेंगे। अखिलेश यादव ने उठाया अमरोहा में हुई रेप और हत्या की वारदात का मुद्दा, कहा रेप और हत्याकांड में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित करके बच नहीं सकती यूपी सरकार। अखिलेश बोले अमरोहा रेपकांड के आरोपी के सितंबर से फरार होने का यूपी सरकार को पता था, सच यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ही फरार। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ पर लटका मिला 16 साल के रेप पीड़िता का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक नाबालिग के पिता के अनुसार 25 सितंबर को मोनू नाम के एक आरोपी ने लड़की से किया था रेप, तहरीर लिखवाने पहुंचे परिजनों पर पुलिस ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज करके डाला था दबाव, एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया। वे थाना प्रभारी आदमपुर और 2 सिपाही उनको निलंबित किया गया है। वर्तमान घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर उद्धव के आरोपों की नई किस्त, आज केस में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर नवाब मलिक ने किया वार। नवाब मलिक के अनुसार कई बीजेपी नेताओं के ड्रग पेडलर से हैं संबंध, देवेंद्र फडणवीस का ड्रग पेडलर जयदीप राणा से नाता है, कहा ड्रग पेडलर से फडणवीस के संबंधों की होनी चाहिए जांच। नवाब मलिक का बहुत बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर होता है ड्रग्स का खेल। जो देवेंद्र जी का वजह है वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है, पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और जयदीप राणा के साथ साथ तस्वीर भी ट्वीट की।
मंत्री नवाब मलिक ने प्रदीप गाबा को बताया महाराष्ट्र में ड्रग्स के धंधे का बड़ा किरदार, किया सवाल बड़े बड़े ड्रग पेडलर क्यों और कैसे छोड़ दिए जाते हैं। नवाब मलिक ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले पर भी किया पलटवार, कहा आरोपियों का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण, समीर वानखेड़े के परिजनों से क्यों मिले आठवाले। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार, अंडरवर्ल्ड से जोड़ा नवाब मलिक का संबंध, कहा दिवाली बाद दूंगा सबूत। फडणवीस बोले नवाब मलिक ने जलाई है फुलझड़ी, दिवाली के बाद मैं आप फोड़ूंगा बॉम्ब। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मेरी पत्नी की जो फोटो नवाब मलिक ने दिखाई है वो 4 साल पुरानी है, 4 साल बाद एनसीबी ने जयदीप राणा को किया है गिरफ्तार। फडणवीस ने कहा 4 साल पहले रिवर मार्च संगठन की क्रिएटिव टीम मुझसे मिलने आई थी, इसी दौरान राणा ने खिंचवाई थी तस्वीर। फडणवीस ने कहा मेरे साथ भी जयदीप ने खिंचवाई थी तस्वीर, साजिशन उसे नवाब मलिक ने पोस्ट नहीं किया, पत्नी को बनाया मोहरा। फडणवीस ने कहा नवाब मलिक के जमाई के घर गांजा मिला तो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी ही ड्रग केस में संलिप्त मान लिया जाए, मैं ऐसा नहीं मानता। फडणवीस बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ड्रग्स केस में जमाई का नाम आने से नवाब मलिक बौखला गए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का भी नवाब मलिक पर पलटवार किया ट्वीट, विनाश काल विपरीत बुद्धि। मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता पर फिर से किया पलटवार, ट्वीट किया कल दूंगा इनके आरोपों का जवाब। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, नवाब मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने का लगाया आरोप, समीर ने सौंपे अपने दस्तावेज। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा वानखेड़े ने बताई अपनी व्यथा, सौंपे दस्तावेज, मैंने गृह मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार से भी मांगी है जानकारी, दस्तावेज की होगी पुख्ता जांच। विजय सांपला ने कहा दस्तावेज अधूरे दिखाई देने पर जांच के लिए टीम का गठन करूंगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सांपला ने कहा हमारा काम एक्शन लेना नहीं, अत्याचार रोकना, चाहे वो समीर वानखेड़े हों या कोई और। के जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े ने कल मुंबई में एससी राष्ट्रीय आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से भी मुलाकात की, पूरे परिवार के साथ उनके घर पहुंचे। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराया अपना बयान, कहा अब तक नहीं था मेरे और मेरे परिवार पर आरोप, सचिन वाजे और परमवीर के कारण परिवार परेशान। उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए, ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। 19 महीने बाद आज फिर से खुल गए दिल्ली के स्कूल, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हुई। दिल्ली में सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों को सबसे पहले सिखाया गया सेहत का सबक, व्यायाम पर दिया गया जोर। दिल्ली के राज निवास मार्ग पर बने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, मास्क में नजर आए सभी बच्चे लेकिन बिना मास्क के बच्चों को पढ़ाते दिखे एक शिक्षक। डीडीएमए ने 8वीं तक की क्लास के लिए जारी की गाइडलाइंस, एक क्लास में 50% बच्चों को बैठाने की आज्ञा। स्कूलों को सख्त हिदायत, किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए न किया जाए मजबूर। बिना वैक्सीन के स्टाफ को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, खाना और किताबें साथ में लाना होगा। कल से केरल में भी स्कूलों की पढ़ाई शुरू। देश में फिर से बज रही है कोरोना के खतरे की घंटी, बढ़ रहे हैं केसेस। पिछले 24 घंटों में 251 लोगों की हुई है कोरोना से मौत। केरल में 24 घंटों में 7,167 केस, 167 की मौत। पेट्रोल डीजल फिर से बढ़ गए, 35-35 पैसे दाम बढ़े।
पिछले हफ्ते पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 109.69 रुपए हुए। डीजल भी 100 के नजदीक, दिल्ली में 1 लीटर डीजल 98.42 रुपए। बालाघाट में जबरदस्त पेट्रोल डीजल महंगा, 1 लीटर पेट्रोल 121 रुपए। बालाघाट में 1 लीटर डीजल मिल रहा है 110.22 रुपए लीटर। बिल में एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई, 266.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब एक सिलेंडर 2000 रुपए के पार पहुंचा, ये कमर्शियल सिलेंडर। प्रियंका ने महंगाई का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने घोषणा, महिला घोषणा पत्र में किया वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर में हम मुफ्त भरेंगे गैस। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का भी वादा। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा। बुजुर्ग महिलाओं को 1000 रुपए, वृद्धा और विधवा पेंशन का भी वादा। यूपी में टिकट वितरण से पहले 40% महिलाओं को टिकट देने का कर चुकी हैं ऐलान। यूपी के लिए प्रियंका ने दिया नया चुनावी लड़ा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में होने वाले नुकसान के मद्देनजर महत्वपूर्ण है ग्लासगो का पीएम का दौरा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी मिले पीएम मोदी। विश्व के लिए रोडमैप बनेगा, कैसे दे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। आज रात लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडरिटी इवेंट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी।